किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, अगर यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश होगी दोस्तों कि आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टोरी को सुनकर कुछ बेहतर सीख पाएं, कुछ बेहतर समझ पाएं। दोस्तों, यह स्टोरी है गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की। गौतम बुद्ध के दो शिष्य थे, एक शिष्य उनमें काफी सीनियर थे और एक शिष्य अभी जो थे वो यंग थे, युवा थे। जो सीनियर शिष्य थे वो कुछ इस तरह से भी सीनियर थे कि वो इस मठ में काफी दिनों से रह रहे थे और उनके मठ में काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें काफी अच्छा ज्ञान हो चुका था। और जो यंग शिष्य थे वो अभी नए नए आए थे, उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, चाहे सीनियरिटी के मामले में भी उन्हें ज्यादा इतना सीनियरिटी के मामले में भी वो इतना ज्यादा सीनियर नहीं थे। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जो गौतम बुद्ध का मठ था वो जंगल के बीच में था। जंगल के दोनों साइड गांव बसे हुए थे और गांव के पास में ही एक नदी थी। उन शिष्यों का काम ये होता था कि शिष्य हमेशा क्या करते थे कि गांव जाते और वहां से भिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें शाम तक मठ में लौटना पड़ता था। ऐसी कुछ इस तरह की प्रोसेस डेली के डेली चल रही थी। कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोनों शिष्य चल पड़ते हैं। जैसे ही जाते हैं वो, तो बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दोनों ही शिष्य जाते हैं और वह नदी पार करने, जैसे ही नदी के पास पहुंचते, नदी पार करने का सोचते ही हैं कि जैसे वहां से एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज एक लड़की की रहती है। जब वह वहां से देखते हैं तो एक लड़की दिखाई देती है जो काफी सुंदर कन्या थी, काफी बढ़िया कन्या थी। उसे देखकर, जब उसे दोनों शिष्य देखते हैं तो उसके पास जाते हैं। वो लड़की चिल्ला रही थी मदद के लिए, वह कह रही थी, मैं एक राजा की बेटी हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं शिकार के लिए आई थी और जितने भी सैनिक हैं उन सैनिकों से मैं बिछड़ चुकी हूँ और यहाँ पर राजा मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरे पिताजी मेरा वेट कर रहे हैं, तो कृपया आप मुझे मदद कीजिए और इस नदी को पार कराइए। दोनों शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वचन दिया गया था कि आप किसी भी नारी को या किसी भी कन्या को स्पर्श नहीं करेंगे। दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। काफी सोचने विचारने के बाद जो युवा शिष्य रहता है, वो युवा शिष्य उस लड़की को अपने कंधे पर बैठाता है और नदी के उस पार छोड़कर तुरंत ही आ जाता है और नदी आराम से आसानी के साथ पार करा देता है। मन ही मन जो सीनियर वाला शिष्य था, जिसको ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत दिनों से वह मठ में आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वो काफी दुखी होता है और उससे डिस्टेंस बनाकर चलने लगता है। और हम मन ही मन सोचता है कि जैसे ही आज मठ में पहुंचूंगा, भगवान बुद्ध से सारी कहानी बता दूंगा इस शिष्य के बारे में। यह सुनकर वह जब जाते हैं, चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। जैसे ही मठ में पहुंचते हैं, भोजन होता है। भोजन होने के बाद मन ही मन वह बुजुर्ग वाला शिष्य या कि सीनियर वाला शिष्य था, वह सोच रहा था कि आज इसकी शिकायत करूंगा कि इतने दिनों से आ रही शिक्षा को इसने, इतने दिनों से जो हमें वरदान दिया गया था, शिक्षा दी गई थी, उसे इस यंग शिष्य ने तोड़ दिया, इस युवा शिष्य ने तोड़ दिया है। जब भोजन हो जाता है तो भोजन के बाद वह गौतम बुद्ध के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और उस युवा शिष्य की शिकायत करते हैं। उस युवा के शिष्य की शिकायत करते हैं तो भगवान बुद्ध उस युवा शिष्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सच में ये जो बोल रहे हैं, क्या ऐसी बात है? क्या आपने एक कन्या को अपने अपने पीठ पर बैठा कर क्या आपने नदी पार कराई है? तो युवा शिष्य बोलते हैं, जो युवा शिष्य रहते हैं वो बोलते हैं कि कौन सी कन्या? हाँ, मैंने एक कन्या को कल नदी पार कराई थी। उसके बाद जब नदी पार कराई थी, फिर मैं इधर आ गया था, वो चीज़ मैं भूल चुका हूँ। लेकिन जो अभी ये बुजुर्ग जैसे अभी भी उस कन्या को ये अपने पीठ पर बैठा कर घूम रहे हैं, अपने कंधे पर बैठा कर घूम रहे हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं कि इस जो युवा शिष्य ने अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया है और जो वचन दिया गया था उसको भी निभाया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पास्ट को भूलकर हमेशा प्रेजेंट की तरफ फोकस करना चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग करके चलना चाहिए, ना कि फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो हमेशा पास्ट को भूले, इसीलिए कहा भी गया है कि पास्ट में हमेशा पास्ट से बचें और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें और फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर काम करें। तो इसीलिए कहते हैं कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में काफी सारी टेंशन होती हैं। तो हमेशा जो भूलने वाली बातें, उन बातों को भूलिए और नई बातों से
नई तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करें, प्रेजेंट में जीने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।